हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कराची बर्ड इन्फो। तो आज हम एक और माशाल्लाह कराची के अंदर शानदार सेटअप पे आए हैं जावा के। तो मुनीर भाई हमारे साथ खड़े हैं, माशाल्लाह ये इनका सेटअप है और बहुत ही खूबसूरत सेटअप है, तो उसको हम आज रिवील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले ये बात बता दें कि मुनीर भाई हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं और माशाल्लाह काफी सालों से ये जो है ना हमसे रابطे में है। मुनीर भाई माशाल्लाह थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा कि माशाल्लाह इस सेटअप को कितना अर्सा हो गया? इस सेटअप को तकरीबन तीन से चार साल हो गए। मैं काम कर रहा हूँ, जो प्रॉपर काम कर रहा हूँ वो तकरीबन 3 साल हो गए मुझे जावा के ऊपर काम करते हुए। अरसे के अंदर जो है माशाल्लाह जो ये पेयर आपने खरीदे, तो कहाँ कहाँ से परचेजिंग करी थोड़ा सा बताइएगा व्यूअर्स को। देखिए शुरू में तो मैंने मार्केट से परचेजिंग की, फिर यूट्यूब की वीडियो देखी। यूट्यूब की वीडियो देखने के बाद जिस हमारे एक हैं गुल साहब हैं, सैयद गुल साहब, कौन जावा के गुल साहब बिल्कुल बड़े मशहूर हैं, उनकी जब वीडियो देखी तो मैंने उनसे परचेजिंग की है। और हमारे ऐसा मिलाई है उनसे परचेजिंग की हमने, जो कि अच्छे अच्छे ब्रीडर्स थे जिनके पास अच्छी ब्रीड आ रही थी, तो वो चीज़ सबने लिए। लोग तो ये करते हैं कि भाई हमने ना मार्केट से ले लो सस्ते के चक्कर में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे पेरेंट्स परफॉर्म करते हैं कोई भी बर्ड हो, चाहे फिंच हो या कोई भी बर्ड हो, जैसे उसके पेरेंट्स परफॉर्म करेंगे वैसे उसके चिक्स परफॉर्म करेंगे। तो ये चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैंने बर्ड्स की बाइंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ऐसा रिजल्ट भी आ रहा है मेरे पास। तो अभी यहाँ कौन कौन से बर्ड लगे हुए हैं जो आप यहाँ ब्रीड करवा रहे हैं माशाल्लाह? अभी मेरे पास तो तकरीबन जावा ही हैं लगे हुए हैं, और इसके अंदर फोन जावा हैं, सिल्वर जावा हैं, वाइट जावा हैं, और ग्रे जावा हैं, ओपल जावा हैं, ये चीज़ें हैं। और कोकल का एक पेयर है, फिंचेस वगैरह लगाई हैं, लेडी गोल्डियन है, कुछ होगों के पेयर हैं बजरी के। तो आपने माशाल्लाह तकरीबन मैंने देखा कुछ होगों भी रखे हुए हैं, ज़्यादातर तो जावा पे काम है। तो आपको कौन सा बर्ड ऐसा लगा कि जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, आप व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएँ? लेकिन मैंने तो अपना आपको पर्सनली बताऊं, मैंने तो ये रखा हुआ है शौकिया तौर पे। अच्छा, ये सब शौकिया तौर है, लेकिन शौकिया बिल्कुल, लेकिन शौक के साथ साथ इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो प्रॉफिट भी होना चाहिए बिजनेस के हवाले से भी है, लेकिन ज़्यादा मेरा ये शौक है पहले, बाद में मेरा बिजनेस है। और आपको मैं कैलकुलेशन बता दूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ थोड़ा सा ना अलग तरीके से कर रहा हूँ और अपने तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कैलकुलेट करके करता हूँ कि भाई जावा है मेरे पास और फिंच है, लेडी गोल्डियन है, एक पेयर फिंच का एक दिन में कितने ग्राम दाना खाता है, एक महीने में कितना खाता है, जावा कितना खाता है, लेडी गोल्डियन की सारी चीज़ें कैलकुलेट मैंने की हुई हैं। उसका सबरा जो हल है वो ये मैंने निकाला कि कोई सा भी बर्ड हो छोटे बर्ड के अंदर अगर वो 300 रुपये का पर पीस भी सेल हो रहा है पट्ठा, तो वो हमारी प्रॉफिट में आए। 500 का भी हो रहा है तो वो हमारी रेंज से आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और उससे जब नीचे जाएगा तो वो ख़त्म करके नई चीज़ रख कर लेंगे। अपना नंबर भी बता दीजिएगा, फिर चलते हैं मजीद वीडियो की तरफ। मेरा नंबर है 03092334972, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप करेंगे। तो चलते हैं व्यूअर्स वीडियो की तरफ, क्या दिखाने जा रहे हैं व्यूअर्स को इस टाइम? अब हम फोन जावा दिखाने वाले हैं। इस तरफ हमारे फोन जावा के पेयर लगे हैं, तकरीबन 17 पेयर है मेरे पास ये टोटल। अच्छा माशाल्लाह 17 पेयर है इस तरफ, तो माशाल्लाह इनका बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है तकरीबन, माशाल्लाह हर पेयर के अंदर रिजल्ट आया हुआ है माशाल्लाह। इसके अंदर तो बिल्कुल कोई पेयर भी ऐसा नहीं है जिसने ब्रीड नहीं की हो। तो सबसे पहले कौन सा पेयर हमारे व्यूअर्स को आप दिखाएंगे? सबसे पहले मैं ये पेयर आपको दिखाऊंगा, ये हमारा सबसे पुराना पेयर है, तकरीबन इसकी एज 3 से 3.5 साल हो गई है इस माशाल्लाह। इसके अंदर रिंग डले हुए हैं, इनके अंदाजा बांध भी रहा। अच्छा, तो 3.5 साल का माशाल्लाह ये पेयर है, तो ये सारे बच्चे खुद पाल रहा है या इसके अंदर आपने बच्चे फोस्टर भी किए हुए हैं? नहीं, ये इसके अपने चिक्स हैं, ये 6-7 चिक्स लाजमी। माशाल्लाह, यानी 3.5 साल का पेयर भी इतने बच्चे निकाल सकते हैं माशाल्लाह। और ये माशाल्लाह 6 चिक्स है, नियर टू सेल्फ हैं, और ये अभी इसने दोबारा एग्ज भी दिए हुए हैं, और वो एग्ज में से जब बच्चे निकलेंगे तो हम इनको अलग करेंगे 6 के 6 को। अच्छा, ये सारे डार्क हेड वाले हैं माशाल्लाह? बिल्कुल डार्क हेड, डार्क हेड हो, ये क्वालिटी आपके सामने चेक कर सकते हैं, कोई भी एक स्पॉट सर पे या कली वाइट नहीं होगी, बिल्कुल फीमेल लाइट डार्क होती है और जो मेल होता है वो डार्क होता है ज़्यादा। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो फीमेल होती है उसका थोड़ा सा लाइट कलर होता है फोन में, तो इससे पता चल जाता है। जो फोन के अंदर देखें जो सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, सबसे नंबर 1 पे जो आती है, उसका मेल जो होता है वो डार्क हेड का होता है और पूरी राउंड सर्कल आप देख रहे हो सर्कल बना होता है गर्दन पे गोल, माशाल्लाह। और फीमेल का सर्कल नहीं होता, फीमेल का लाइट होता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। और इसकी चिक्स में भी पता चल जाता है मेल फीमेल का दुम से, टेल से, टेल मार्किंग आ जाती है।
जी मुनीर भाई, तो यहाँ सेकंड पेयर माशाल्लाह लगा हुआ है मेरे से फोन का, ये भी बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सेकंड पेयर है और ये भी साढ़े तीन से साढ़े तीन साल इसकी भी एज है। अच्छा माशाल्लाह, इस पेयर की क्वालिटी ये है कि ये समझो जितने भी हमारे पेयर है सबसे ज्यादा बड़ा साइज इसका ही है। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है साढ़े तीन साल के पेयर में भी माशाल्लाह आपका वही रिजल्ट आ रहा है जो फर्स्ट ग्रेड वाले का आता है, मतलब पांच छह बच्चे। बिल्कुल, तो प्रोग्रेस वगैरह आई भी है इसके अंदर? बिल्कुल, सेकंड क्लच है इसके भी, मैंने छह बच्चे कुछ टाइम पहले निकाले, आप दिखा सकते हैं। तो दिखाइएगा हमारे व्यूअर्स को माशाल्लाह इसकी प्रोग्रेस की, स्टार्ट किए इसके बच्चे तकरीबन दिन से मैंने अलग किए, तो ये माशाल्लाह एक साथ चुके हैं तकरीबन माशाल्लाह। कितने एग्स के? छह एग्स हैं और छह सात एग्स हैं माशाल्लाह, सात है और सात के साथ फर्टाइल है इंशाल्लाह। नहीं, इसके अपने अंडे हैं, ये घुमाएंगे इंशाल्लाह, जैसे सेटिंग बनेगी तो घुमाएंगे, और ये सात अंडे और सात के साथ इंशाल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह फर्टाइल है, बिल्कुल फर्टाइल है। अच्छा मुनीर भाई, इधर हम थर्ड पेयर देख रहे हैं, ये फोन का ऐसी है जी? ये भी तीसरा पेयर फोन का, ये भी सेम क्वालिटी और इसकी एज कम है। अच्छा, ये कम एज का है, लेकिन दो साल का पेयर है ये, माशाल्लाह साइज बड़ा आउट क्लास है। इसके भी एग्जे थे जो सात आठ एग्ज दिए थे, इसमें कुछ एग्ज पोस्टर कर दिए, कुछ इसके नीचे ही पड़े हुए अभी तक, वो भी हम घुमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मतलब मादी अंदर है? हाँ मादी एग्ज, तो आप दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, दिखाते हैं व्यूअर्स को। मादी बाहर आ गई है माशाल्लाह, इसके अंदर भी तकरीबन सात एग्ज है, एक आधे एग्ज इसका हमने घुमा दिया था। अच्छा फीमेल बाहर आ चुकी है इसको। अच्छा मुनीर भाई, इधर हम ये चौथा पेयर दिखाने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये चौथा पेयर है फोन जावा का, इसकी भी यही तकरीबन दो साल है। अच्छा, ये जितने भी पेयर है सबके अंदर क्लोज रिंग दे रहे हैं, मैंने ये हमें पत्थरों से रेडी किए हैं, जो पुराने पेयर थे वो तो थे उनके आगे जो बच्चे निकले। अच्छा मतलब आपने अपना रिंग डाला? ये बिल्कुल अपना रिंग डाला और अपने इनके घर की पट्टी तैयार की, इसीलिए ये रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तकरीबन सारे ही माशाल्लाह डार्क हेड पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी भी कोई रिजल्ट प्रोग्रेस वगैरह आई हुई है? बिल्कुल आई हुई है, इसकी भी एग्जाम फोन के जितने भी हैं सब के जो है ना माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट है, एग्जाम वगैरह आए हुए हैं, सेकंड क्लच है सबका, आप दिखा सकते हैं माशाल्लाह, दिखाते हैं तो व्यूअर्स माशाल्लाह जरूर बोल दिएगा कि बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस आई हुई है। देख सकते हैं माशाल्लाह तकरीबन हर बॉक्स के अंदर छह अंडे, माशाल्लाह छह अंडे आए हुए इधर भी फर्टाइल है। अच्छा मुनीर भाई, इधर एक और फोन का पेयर है माशाल्लाह। हाँ, ये एक फोर कवर पेयर लगा हुआ है, इसकी भी तकरीबन दो साल है और इसके भी एग्ज वगैरह आए हुए हैं माशाल्लाह। ये जो है तकरीबन दो साल का पेयर है, लेकिन साइज बड़ा आउटस्टैंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, दो साल का पेयर है और ये सेकंड क्लच है इनका तकरीबन सबका। तो इसकी भी प्रोग्रेस वगैरह आई हुई है? बिल्कुल बिल्कुल आई है, आप दिखा सकते हैं। तो इसकी भी प्रोग्रेस दिखाते हैं व्यूअर्स को, तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह व्यूअर्स प्रोग्रेस। ये इसके पांच एग्जाम में पांच के पांच फर्टाइल एग्ज हैं। तो ये आप दूसरा क्लच इस टाइम ले रहे हैं इनसे, है ना? जी, मैंने बॉक्स थोड़ी सी जल्दी लगा दिए थे तो अभी दूसरा क्लच ले रहा हूँ मैं। अच्छा मुनीर भाई, इधर मुझे एक फोन का पेयर नजर आ रहा है, इसके ना सिल्वर के बच्चे। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ना ये एग्स वगैरह और बच्चे वगैरह हम घुमाते रहते हैं ना, और अच्छा ये दो ही, एक फोन का बच्चा है और एक ये सिल्वर का है, और इसके तकरीबन छः सात बच्चे इसके भी थे, हमने आगे पीछे घुमा के भी जहन में नहीं है, पर ये है कि ये बच्चे और एग्स दोनों हम घुमाते रहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आठ एग्स हैं, आठ के आठ फर्टाइल है, दो एग्स हमें शिफ्टिंग करने पड़ेंगे दूसरे पेयर में, सिल्वर या वाइट या ग्रे के अंदर, ताकि बैलेंसिंग हो जाए, बैलेंसिंग हो। इसी तरीके से अगर ग्रे है तो ग्रे में भी यही चीज़ें करते हैं। मुनीर भाई, इधर मजीद फोन लगे हुए हमारे पास, है ना? जी जी, ये पेयर भी फोन जावा का है, फोन टू फोन। अच्छा, ये जितने भी पेयर है सेम क्वालिटी है सबके ना, डार्क हेड डार्क टेल मेल और फीमेल की लाइट हेड और लाइट टेल होगी, सेम क्वालिटी, क्योंकि ये और साइज भी तकरीबन सबके माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज है। आप बोलेंगे तो एक हद के पकड़ के भी दिखा देंगे बाद में, तो आगे चल के जी जी, इसके भी एग्जाम है फोन के जितने भी पेयर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके जो है सबके एग्ज वगैरह आए हुए हैं, सेकंड क्लच है तकरीबन सबका, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, इसके भी पांच एग्ज आए हुए, ये पेयर है और इसका भी सेकंड क्लच है, फर्स्ट क्लच इसका जो है वो सेल हो भी हो गया। मुनीर भाई, मुझे कुछ ओपल के पीस भी नजर आ रहे हैं फोन के अंदर, ये पोस्टिंग वगैरह कराई हुई आपने इधर भी? ये पोस्टिंग की हुई होगी, एग्ज वगैरह हमने घुमा दिए थे इसके भी, तो ये ओपल के दो बच्चे हैं, दो फोन के हैं, और बाकी इसके एक या दो बच्चे थे वो भी आगे पीछे हमने गिरे के नीचे घुमाए हुए हैं, और ये तकरीबन अभी एक दिन एक दो दिन हो गए ये बच्चे निकले हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये बाहर आए बॉक्स से? हाँ, अभी शायद एग्ज दिया हूँ शायद, क्योंकि एक दो दिन हो गए ये इसने
वो किया हुआ है, बाहर आए हुए, ये तकरीबन दो चार दिन में, ये भी अब तकरीबन ढाई महीने के जब भी हो जाएंगे तो अलग कर देंगे, अलग करूंगा, क्योंकि ये अभी तकरीबन दो चार दिन के अंदर फीमेल हो सकता है लोडेड हो, एक दो दिन में फीमेल एग दे देगी, तो एग में से जैसे ही बच्चे निकलेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। नीर भाई माशाल्लाह इधर ये बच्चे फोन के नजर आ रहे हैं मुझे, ये कितने महीने के बच्चे हैं ये तकरीबन? ये तकरीबन डेढ़ महीने के बच्चे नियर टू सेल्फ हैं अभी ये, और ये इसका सेकंड क्लच है, बल्कि थर्ड क्लच है, दूसरा क्लच इसका हमने फोर्स कर दिया था, ये थर्ड क्लच आ रहा है इसका। तो इसके अलावा अंडे वगैरह आ गए पैर के? एग्स वगैरह पता नहीं, देखे नहीं हमने, शायद हो सकता आ गए हों, आप दिखा सकते, क्योंकि ये अभी बच्चे जो है कुछ टाइम ही हो गए आए हुए बाहर, अभी तक आए नहीं, आप तो बॉक्स आ जाएंगे, अभी तो बॉक्स भी चेंज होगा इसका, आज एक दो दिन बॉक्स चेंज कर देंगे, हाँ बॉक्स हम ये निकालते हैं और नया बॉक्स लगा देते हैं जी। मुनीर भाई तो मुझे एक और पेयर यहाँ नजर आ रहा है, मेरा मेल या फीमेल दोनों में से एक बाहर है। अच्छा मतलब मेल ड्यूटी देता है इसके अंदर, तो जावा में ये होता है आधा दिन मेल ड्यूटी देता है और आधा दिन फीमेल। रात में तो फीमेल ही बैठी रहेगी, इसके भी अगला इसका भी तीसरा क्लच है, दूसरा क्लच माशाल्लाह एग्स वगैरह है अंदर है, अभी इसके भी तो थोड़ा दिखा सकते हैं आगे माशाल्लाह, अभी मेल ड्यूटी दे रहा था, देख सकते हैं व्यूअर्स ये तीन छह और आठ नौ, आठ से नौ एग्स हैं तकरीबन सब इनके ना, तो इंशाल्लाह ये सारे फर्टाइल है। हाँ ये सारे फर्टाइल होते हैं, एक अनफर्टाइल होगा, बाकी सारे फर्टाइल होते हैं। फोन के अंदर असल में ये लाइन ऐसी हमने बनाई हुई है, गुल साहब से खरीदे थे, अगर आठ एग्स हैं तो एक खराब हो जाएगा और बाकी सब फर्टाइल की लाइन है। हाँ ये वही लाइन है, और ये जो जितने भी पेयर आप दिखा रहे हैं ये मैंने सब बढ़ाए अपनी ब्रीड रोक के ना, ब्रीड करवा के सेल भी किए और अपनी बढ़ाए, और ये जो मेरे जो सबसे पहले वाला ये आप आ जाए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दो पेयर है ना ये भी गुल साहब से मैंने खरीदे थे, और मजे की बात ये है इसमें कि ये जो पेयर है ये मैंने खुद जाके वहां पे मार्कर से निशान लगा के अलग अलग माँ बाप चार माँ बाप से ये चार चिक्स अलग खरीदे थे। अच्छा ये चार चिक्स आपने बिल्कुल अलग अलग माँ बाप के? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद जाके रिजल्ट आपको जो आ रहा है वीआईपी तरीके से माशाल्लाह इन्हीं का रिजल्ट आ रहा है, ये सारे इन्हीं से बने, इन्हीं से बने, क्योंकि बारह पेयर थे, कुछ पेयर हमने सेल कर दिए थे थोड़े बड़े करके, कुछ पेयर एक्सपायर हो गए, कुछ उड़ गए, इस तरीके से हुआ, ये दो ही बच्चे और ये दो के ही सारे बच्चे हैं, और ये चारों जो बर्थ हैं अलग अलग माँ बाप के सिबलिंग को भी नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से आपने रूम के अंदर मुनीर भाई सेटअप बनाया हुआ, तो ये वेंटिलेशन किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं यहाँ पर? वेंटिलेशन तो इतनी अच्छी हमारे पास नहीं है, क्योंकि असल में हमें टाइम भी इतना ज्यादा नहीं होता, ये सिर्फ हमारा एक ये रोशनदान बना हुआ वेंटिलेशन के लिए ना। अच्छा ये रोशनदान है, ये डग है यहाँ पर? ये डग है, ये डग है, यहाँ से हवा जब चलती है तो आ जाती है, और एक यहाँ पे विंडो है बस। अच्छा ये विंडो से एयर आती है, फ्रेश एयर, और डक से एयर आती है? हाँ यहाँ से आती है भाई, इससे ज्यादा एग्जॉस्ट फैन भी हमने नहीं लगाया, क्योंकि अभी तक हमें इतना मतलब ज्यादा मसले मसाइल नहीं आ रहे हैं इनफर्टिलिटी के या डेड इन शेल के, इतना ज्यादा इशू नहीं आ रहे हैं, तो हम जो है ना ये निजाम चला रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपने सफाई का बहुत खास ख्याल रखा हुआ है सेटअप के अंदर। सफाई तो असल में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सफाई तो निस्त ईमान है, आप जितनी ज्यादा सफाई रखेंगे इतनी अल्लाह पाक आपके काम में बरकत दे देगा बेशक। तो ये माशाल्लाह कौन देख रहा होता है ये सारे, आप ही देख रहे होते हैं ये? असल में मैं तो जॉब पे होता हूँ, टाइम में बहुत कम टाइम दे पाता हूँ पोस्टिंग करने के लिए, घुमाने के लिए, पेयरिंग यही करनी, जो बारीकी के मामला है वो मैं देखता हूँ, बाकी छोटा भाई होता है वो दाना पानी वगैरह कर देता है। दाना पानी तो हम दाना तो रात को हम छान लेते हैं, रात को छान के सफाई करके रात को लगा देते हैं, और पानी जो होता है वो हमारा 9 बजे हम पानी निकाल देते हैं, जिस तरह के चिक्स हैं या बच्चे हैं जो भी है या नहीं है, पानी हम निकाल देंगे और सुबह हम 9 बजे पानी दोबारा लगाएंगे, अभी सर्दियां हैं तो गर्म करके पानी हम देते हैं इनको भी। अच्छा मतलब आप इनको जो पानी देते हैं वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का देते हैं, ना ठंडा ना गर्म? हाँ नहीं नहीं गर्म करके देता हूँ, पहले पानी इनका गर्म करता हूँ चूल्हे पे, वो गर्म करके फिर मिक्स करके, और इनको मैं अच्छा दे रहा हूँ फिल्टर का पानी दे रहा हूँ, लाइन का पानी नहीं दे रहा हूँ, शुरू से फिल्टर का दे रहा हूँ, तो गर्म करके चूल्हे पे फिर मिक्स करके अपने हाथ से टेम्परेचर को, क्योंकि अक्सर हमने देखा है लोगों की शिकायत होती है पूरा सेटअप जो है वो खत्म हो गया, तो व्यूअर्स को थोड़ा सा बताते हैं, वो गंदा पानी लाइन का लोग पिला देते हैं जिसमें जरासीम या कोई ऐसी बैक्टीरिया आ जाते हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा सेटअप खत्म हो जाता है, ऐसी है मुझे भाई? बिल्कुल सर ऐसा ही है, देखो असल में मैं जो अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि भाई जैसे मैं साफ सुथरा खाना खाते हैं, हम बैठते हैं सोते हैं थाली में साफ सुथरी प्लेट में, अभी हम खाना खाते हैं साफ प्लेट में खाते हैं, तो मेरी कोशिश दिल से ये कोशिश होती है कि यार परिंदों को भी मैं वैसा ही करूं, बिल्कुल ये मेरा असल में बिजनेस समझो, कम में शौक पहले है बाद में बिजनेस है ना, कैलकुलेशन आपने पहले शौक करा है, और जब भी माशाल्लाह से आप कामयाब है, तकरीबन हर बॉक्स में माशाल्लाह अंडे बच्चे आपको दिखाए हमने, तो ये सारे माशाल्लाह इधर फोन लगे हुए हैं, सिल्वर लगे हुए हैं,
व्हाइट लगे हुए और ये गोल्डियन भी है, गोल्डियन भी आप दिखा दे अपने व्यूअर्स को, ये भी मैंने अभी नया शो किया हुआ है। तो माशाल्लाह मुनीर भाई, ये गोल्डियन में कुछ प्रोग्रेस वगैरह आई हुई है क्या? जी ये 2 महीने हो गए गोल्डियन का मैंने नया शो किया है और ये इसका दूसरा क्लच आ रहा है। बच्चे वगैरह मैं इसके नहीं बचा पाया क्योंकि इसके बारे में मैंने आपसे भी बात की थी, आपको पता होगा, तो आपने मुझे बताया था कि बैंग लाइट पहले सेट करनी पड़ती है, बहरहाल टाइम ना होने की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। आप ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे इन्होंने नहीं पाले और अपने बच्चे मार दिए। बच्चे बिल्कुल हैच भी हुए थे लेकिन बच्चे जो है ना एक्सपायर हो गए। और अब ये मजे की बात है कि इनको हवा लग गई यहाँ से और ये 2 फीमेल, अब ये तो बहुत ज्यादा सीप में आ गई थी, इसको हमने बहुत अच्छा सही किया। जो नीचे वाले पेयर की फीमेल है वो एक्सपायर हो गई कल। अच्छा वो एक्सपायर हो गई है तो अभी आपको फीमेल रिक्वायर्ड है? हाँ फीमेल अगर किसी के भाई के पास हो, फर्स्ट ब्रीड की एज कंफर्म होनी चाहिए फर्स्ट ब्रीड की, तो वो हमसे रब्ता करेंगे। हमारे व्यूअर्स को कौन सा पेयर दिखाने जा रहे हैं? ये हमारे पास सिल्वर जावा के पेयर हैं, 2 पेयर के लगाए हुए हमने एक खाने में। अच्छा ये जो आपने 2 पेयर लगाए हुए हैं तो ये फाइट वगैरह नहीं करते? ये तकरीबन 2x1.5 का मिनर से 2x1.5 का ही है तो खाना, तो 2 पेयर आराम से ब्रीड कर जाते हैं? हाँ ब्रीड कर जाते हैं, थोड़ी सी कभी कभी मस्ती मजाक चोंच चोंच लगा देते हैं दूसरे को बगिया की। जैसे ये 2 बॉक्स आपने हंडिया लगाई हुई है किधर है किधर, मतलब कम जगह में आप जावा को जो है वो रख सकते हैं। 2 पेयर 2x1.5 के खाने में 2 पेयर आराम से ब्रीड कर जाते हैं अगर बॉक्स भार लगे तो। इनकी लेन वगैरह भी आई हुई है? हाँ एग वगैरह भी इसके आए हुए हैं और चिक्स वगैरह भी निकले हुए हैं, नीचे भी आपको दिखाते हैं जब। अच्छा वो आपने फोस्टर किया? हाँ फोस्टरिंग भी कर पाते हैं इनसे, फोन के अंदर चिक्स इनके नीचे घुमाते हैं। अच्छा मुनीर भाई माशाल्लाह इधर एक और पेयर लगा हुआ है, ये सिल्वर का पेयर है लेकिन फोन के बच्चे इसके ना नजर आ रहे हैं मुझे। ये हमने फोन के बच्चे इसके नीचे किए हुए शिफ्ट किए हुए और ये सिल्वर के, ये भी 2 ब्रीडर पेयर हैं, फोन के बच्चे भी पाल रहे हैं और सिल्वर के भी पाल रहे हैं अपने बच्चे भी। अच्छा मतलब अपने बच्चे भी हैं और माशाल्लाह ये फोन के भी पाल रहे हैं और सिल्वर के भी बच्चे हैं और ये सिल्वर का पेयर है? ये सिल्वर जावा के 2 पेयर हैं। तो एक पेयर से आप कितने बच्चे पलवाते हैं तकरीबन, फोस्टरिंग करवाते हैं? तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 6 बच्चे पलवाता हूँ, 5 से 6, इससे भी ऊपर नहीं, 6 आखिरी लास्ट है 6 से ऊपर नहीं। अच्छा माशाल्लाह इधर भी जो है एक खाने में वही 2x1.5 के आपने 2 पेयर लगाए हुए, एक इधर ये हंडी है और एक इधर हंडी है ना। तो मुनीर भाई इधर 1 पेयर और लगे हुए मजीद सिल्वर के, इसमें भी क्या ब्रीड आई हुई है? जी ये पेयर भी दोनों लगे हुए, इनकी भी चिक्स वगैरह आए हुए हैं, एक वगैरह आए हुए हैं, दोनों ब्रीडर पेयर हैं। ये भी फोन बच्चे पाल रहे हैं और वाइट की मैं असल में बेलसिंग भी करता हूँ, फोस्टरिंग भी करता हूँ, तो कौन सा बच्चा कहाँ यहाँ वहाँ घूमता रहता है ताकि फिर दोबारा पेयर जो है ब्रीड पे आ जाए ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इनमें से किसी में अंडे वगैरह आए हुए या सब बाहर है बच्चे? एग वगैरह भी आए होंगे और दिखाइएगा व्यूअर्स को अगर कोई ईग वगैरह आए, ये आप देख लें। अच्छा माशाल्लाह इधर अंडे आए हुए माशाल्लाह जबरदस्त। जी मुनीर भाई तो ये इधर मजीद माशाल्लाह सिल्वर पेयर लगे हुए हैं ना? जी यहाँ पे भी 2 पेयर लगे हुए हैं सिल्वर जावा के और एग वगैरह भी आए हुए हैं। अच्छा एग वगैरह आए हुए हैं तो शेयर करिएगा व्यूअर्स के साथ। ये बाहर ही है सारे? हाँ ये बाहर बैठे हुए होते हैं माशाल्लाह। इसके अंदर तकरीबन 6 अंडे आए हुए हैं। 6 अंडे आए हुए हैं तो माशाल्लाह 100 फुट वगैरह क्या दे रहे हैं और ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह कोई यूज कर रहे हैं आपके? माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है आपके। नहीं ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह तो कोई सा भी नहीं है हमारे पास, 100 फुट के अंदर एग ब्रेड हम दे रहे हैं इनको और हफ्ते में 1-2 दफ़ा ल्यूसन दे देते हैं और भुट्टा दे देते हैं और उसके अलावा तो एग ब्रेड के ऊपर हम इनको डाल के देते हैं मोरिंगा पाउडर, झींगा दे देते हैं, अभी सर्दी शुरू की थोड़ा झींगा, समुद्री जाल का पाउडर और अंडे का छिड़के का पाउडर देते हैं बस। इसके अलावा कोई मेडिसिन कोई वो चीज़ नहीं, सप्लीमेंट यूज होते हैं म्यालिक के बस, इसके अलावा और तीसरी कोई मतलब म्यालिक के जो 3 आते हैं जो फार्मूले वो यूज करते हैं वो जब से बर्ड हमने पाले तब से हम शुरू से एक ही वो कंपनी करें जो अच्छी भी है और अच्छा रिजल्ट है वो लाजमी यूज करवाने पड़ते हैं लाजमी। और इसके अलावा कौन सा पेयर दिखा रहे हैं हमारे व्यूअर्स? इसके अलावा ये ग्रे के पेयर है, इनके अंदर भी एग्ज आए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह ये अपने एक हैं या फोस्टरिंग किए हुए हैं इसके अंदर भी आपने? नहीं इसके अंदर फोन के एग्ज में फोस्टर किए हैं दोनों पेयर के, एज अ फोस्टर यूज कर रहे हैं। हाँ फोस्टर यूज कर रहे हैं, पिछला क्लच इसने खुद पाला था, इस दफा मैंने इसका फोस्टर कर दिया फोन जावा के। इसके बराबर में मैंने अंदर ग्रे जावा, ये इसके बराबर में ग्रे जावा का, ये 2 पेयर ग्रे जावा के। अच्छा माशाल्लाह दोनों एज अ फोस्टर पेयर है ये बाहर आ गई। बिल्कुल बिल्कुल एग्ज वगैरह भी हैं अगर आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। दिखाएं इसके एग अगर आए हुए तो व्यूअर्स के साथ शेयर करें माशाल्लाह। ये सारे फोन के अंडे हैं? ये सारे 5 हैं और 5 के 5 फर्टाइल है कि फोन के माशाल्लाह उसके अंदर भी अंडे आए। तो मुनीर भाई तकरीबन मतलब आपके पास किस तरह मतलब क्या प्रोग्रेस आ रही है, कितने अंडे आ रहे हैं माशाल्लाह एक पेयर के मैक्सिमम? ये तकरीबन एक पेयर के
पांच से लेके छह सात जा रहे हैं सिल्वर और व्हाइट के अंदर। जो फोन है फोन के अंदर हमारे छह सात आठ नौ तकरीबन हर शहर के अंदर इतने आते हैं फोन के अंदर, और फोन के अंदर तो हमें 99% रिजल्ट आ रहा है। और सिल्वर के अंदर तकरीबन कितने अंडे आ रहे हैं और क्या प्रोग्रेस आ रही है? लेकिन सिल्वर के अंदर भी यह है कि छह सात सिक्स के एवरेज है, छह सात आठ अंडों के आते हैं, लेकिन फोन के ऊपर हमने थोड़ी ज्यादा तवज्जो दी है तो टेक के ज्यादा करते तो उसका ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। इसका भी अच्छा ये छह से सिक्स इसके भी निकले हुए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सिल्वर का ये सिल्वर इधर भी सिल्वर लगा हुआ है, ये इसके अंदर भी छह सिक्स हैं इसके अपने। अच्छा माशाल्लाह इनके बच्चे आए हुए हैं, बच्चे इनके आए हुए हैं, दिखाते हैं व्यूअर्स को। वो काफी बड़े बच्चे हो गए माशाल्लाह, ये तकरीबन अभी बाहर कूदने वाले हैं ना? बाहर अभी कूदने वाले हैं माशाल्लाह, जबरदस्त प्रोग्रेस आई हुई माशाल्लाह। अच्छा एक ग्रे का बच्चे नजर आ रहा है, वो एग्स वगैरह कुछ ना कुछ हमने घुमा दिए कि जैन में नहीं है मेरे ना, असल में बैलेंसिंग के लिए एक सेम एज के बच्चे हों तो वो हम घुमाते रहे। अच्छा मतलब आपने बच्चा पोस्टर कर दिया सेम एज का, इसलिए बिल्कुल 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 ये शादी कूदेगा शादी खाएगा और दबेगा नहीं एक दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे भी पोस्टर कर देते हैं और हम एग्स भी कर देते हैं, छह एग्स फर्टाइल रखते हैं, उसके बाद जितने भी फर्टाइल एग्स होते हैं वो दूसरे पेड़ के नीचे। अच्छा मतलब बैलेंसिंग कर देते हैं, नौ नौ अंडे भी दे देते हैं कभी कभी तो जावा। जी पुनीर भाई तो आप क्या दिखाने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स को? आप यहाँ पे पहले आपको सिल्वर दिखाए थे, अभी व्हाइट जावा दिखा देते हैं यहाँ पे व्हाइट जावा। अच्छा माशाल्लाह ये थोड़ा सा व्यूअर्स को दिखाते हैं, यहाँ सारे व्हाइट लगे हुए स्टेज में। हाँ यहाँ पे छह पेयर तकरीबन व्हाइट के लगे हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह तो इनमें प्रोग्रेस वगैरह आई हुई है अभी? हाँ इनके सेकंड क्लास से एग्स वगैरह इनके आए होंगे हमने। अच्छा माशाल्लाह तो अभी तक चेक नहीं किया? हाँ एग्स वगैरह आए होंगे लाजमी, आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स को दिखाते हैं क्योंकि हम उसमें थोड़ा रेस्ट भी लेते हैं पेयर को चिक्स वगैरह निकाल के ना। ये माशाल्लाह अंडे वगैरह आए हुए देख सकते हैं व्यूअर्स हमारे, तीन अंडे आ चुके हैं। हाँ ये दोबारा स्टार्ट लेंगे माशाल्लाह। अच्छा इधर भी माशाल्लाह जो है एक और पेयर है व्हाइट का है ना? जी जी तो इसमें भी अंडे वगैरह आ चुके होंगे? जी जी इसके अंदर भी आ चुके होंगे, इसका भी सेकंड क्लच है माशाल्लाह, इसमें भी एक गायब है और इसके और इसके नीचे भी इधर भी व्हाइट है माशाल्लाह। तो इसमें भी अंडे वगैरह आए हुए हैं, इधर भी व्हाइट जावा के पेयर है। अच्छा ये व्हाइट जावा के पेयर है, इनके छह बच्चे पलवा रहे हैं फोन के और अल्बाइनो जावा के। अच्छा माशाल्लाह इसके अंदर भी बच्चे हैं? हाँ इसके अंदर हैं, पोस्टर के आप दिखा सकते हैं पहला क्लास इसने खुद अपने बच्चे पाले हैं और अभी दूसरे क्लास के अंदर हम। अच्छा माशाल्लाह इसके अंदर फोन के बच्चे हैं और फोन है और अल्बाइनो जावा के, दो अल्बाइनो जावा के और बाकी चार फोन के, छह बच्चे हैं, दो अल्बाइनो जावा के और फोन के बच्चे हैं माशाल्लाह। एक इसके साथ थे टोटल, एक हमने पोस्टर कर दिया पीछे जगह पे। तो तकरीबन जो है आप कितने टाइम में बच्चे को, कितने महीने के बच्चे को अलग कर देते हैं माँ बाप से? देखें हम तो तकरीबन सवा दो से ढाई महीने में अलग कर देते हैं। अच्छा एक महीना बीस दिन के अंदर बच्चा खुद खाने लग जाता है, फिर माँ बाप जो उसको नहीं देते, लेकिन ये है कि हम दो से सवा दो महीने के ढाई महीने की एज, मतलब दो से सवा दो एहतियात ना आप उसको जो है अलग नहीं करते यानी करते, कम थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं। और हम चिक्स भी जो है आज आखिर मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे चिक्स भी बड़े होते हैं तकरीबन चार चार महीने के, तीन महीने सवा तीन महीने के, हेड के कलर मोल्डिंग स्टार्ट करते हैं फिर हम सेल करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि किसी के पास भी जाए तो माशाल्लाह मजबूत पट्टे जाए, बिल्कुल मजबूत पट्टे जाए, उठाया और बस डायरेक्ट दे दिया अलग किया और दे दिया फटाफट। बिल्कुल सर मिट्टू भी है नया फीमेल टॉकिंग वाली, ये आप बता रहे थे कि सेल करना है अभी, ये रिंगनेक की फीमेल है, ब्रीडर फीमेल है, तकरीबन इसकी एज जो है तीन साल है ना, और ये ब्रीड कर चुकी है, इसका जो मेल है ना वो एक्सपायर हो गया था, तो ये फेस टू फेस टॉकिंग करती है। आपको मिया मिट्टू 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 ये बोल रही है, मिया मिट्टू मिट्टू मिठू देखो आपके सामने बोल रही है फेस टू फेस, अच्छा पूरा दिन ये बोलती रहती है, पूरा ये दिन खुद बोलती है, मतलब खुद तो खुद बोलती रहती है फेस टू फेस, कोई भी बंदा बोलेगा अभी शोर के तो सुना ही देगा, सीढ़ियां भी मारी और बोल भी रही है और डांसिंग करती है। मिठू 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 तो ये हैंड टेम वगैरह है? नहीं हैंड टेम नहीं है, ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज होगी क्योंकि ये टॉकिंग भी करती है एक तो, और ब्रीडिंग ब्रीडिंग पर्पस के लिए बेहतरीन है ये, फेस टू फेस टॉकिंग करती है, डांसिंग करती है और पूरा दिन जो है ना बोलती रहती है और काटती भी है, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो मिल भी जाएगी, अगर हाथ रखूंगा ना काटेगी भी सही ये देखें, लेकिन ये कि टॉकिंग इसकी फेस टू फेस है, कोई भी मार्केट में भी ले जाए तो फेस टू फेस ये बोलेगी, देखिए बोल रही है अभी भी।
मिठू ये कितने में मिल जाएगी हमारे व्यूअर्स को? ये इसकी 10,000 रुपए डिमांड है क्योंकि ब्रीडर फीमेल है कंफर्म ना, और आपके चैनल के रेमिटेंस जो भी भाई आएगा उसको बिल्कुल मुनासिब पैसों में अच्छी कमी पेशी करके दे देंगे। नहीं भाई, हमने जावा की कवरेज तो आपकी कर दी है, तो इसके पट्टे वगैरह आए हुए जावा के अभी हमारे पास? ये फर्स्ट प्राइस इसका आया था, सेल हुआ, काफी सारे पट्टे बचे हुए, आप किसी लीवर को जाइए तो वो मिल जाएंगे। तो अभी है हमारे पास कुछ पट्टे हैं, माशाल्लाह पट्टे हैं, तो ये सारे इसी के मतलब अभी हमने जो पेयर दिया है नहीं के पट्टे माशाल्लाह ये सारे जी सारे इसके, और उसकी एज आप चेक कर लें कि एज क्या होगी आपको खुद माशाल्लाह से पता है। माशाल्लाह 4 महीने के तकरीबन है ना, इतने ही है या इससे ऊपर नीचे? बिल्कुल 4 से 4.5 महीने के, कुछ 3.5 महीने के, ये यहाँ पे जितने पट्टे हैं 3 महीने प्लस है अब अभी माशाल्लाह, ये 3 मंथ प्लस है जी, इसमें 4 महीने के भी होंगे, 4.5 के भी ऐसी है, 3.5 महीने के भी, 3 मंथ प्लस है ये सब। और इसमें छोटे पट्टे भी हैं जो कंफर्म 3 से 3.25 महीने के हैं, वो भी मैंने अलग किए हुए हैं, 8 के हिसाब से करते हैं। कौन का पट्टा कितने का मिलेगा हमारे व्यूअर्स को तकरीबन 3.5 महीने का? ये देखें ये जो पट्टे हैं ये इसकी जो डिमांड है 6,000 रुपए पर पेयर के हिसाब से है ना, 6,000 रुपए पर पेयर, लेकिन आपके चैनल की तरफ से जो भी आएगा उसको ये 5,000 रुपए पर पेयर के 5,000 रुपए। और व्हाइट भी अगर कोई लेना चाहे हमारा व्यूअर, व्हाइट जावा के भी पट्टे इसके नीचे हैं और सिल्वर के भी पड़े हुए हैं। अरे इधर व्हाइट के लगे हुए हैं सारे, व्हाइट भी हैं सिल्वर भी हैं, कुछ 1, 2, 4, 3 ग्रे के भी ऊपर भी पट्टे पड़े हुए हैं। अच्छा इधर सारे माशाल्लाह व्हाइट पड़े हुए हैं। हाँ ये व्हाइट पड़े हैं, ये व्हाइट और सिल्वर के हैं, ऊपर छत पे भी काफी सारे पट्टे पड़े हुए हैं। तो व्हाइट और सिल्वर की क्या डिमांड है तकरीबन? अच्छा इसकी भी एज वही है 4 महीने 3.5 महीने एज है, ये 1600 रुपए पर पेयर की डिमांड है। तो सिल्वर ने तो तकरीबन कलर भी भरना शुरू कर दिया काफी ने ना, 4 महीने में कलर वो तकरीबन मोल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो ये 1600 रुपए डिमांड है आपके चैनल के रेफरेंस में, जो भी आएगा उसको 1600 रुपए इंशाल्लाह, जो क्वांटिटी लेगा उसको भी मजीद गुंजाइश कर देंगे। कुछ छोटे पट्टे हैं फोन जावा के, वहाँ पे रखे हैं। अच्छा फोन जावा के छोटे भी हैं पट्टे, तो वो भी व्यूअर्स को मिल जाएंगे? हाँ ये भी मिल जाएंगे व्यूअर्स को। तो ये छोटे वाले कितने के मिलेंगे? ये इनकी 3 से 3.25 महीने इनके भी देखे, 1-2, 4 पीस में कलर आए हुए, ये ओपल के भी हैं और फोन के भी है ना। ये अगर कोई भाई लेगा तो आपके चैनल की रेफरेंस से 4,700 रुपए के अंदर एक पेयर मिल जाएगा उसको, और अगर ये सारे कोई लेगा 5-10 पीस है तो 4-4.5 हज़ार रुपए के हिसाब से दे देंगे। और ये ओपल है, ओपल के भी बड़े पीस भी हैं और छोटे भी है ना, अगर ओपल का कोई पेयर लेगा तो बड़े छोटे सब मिला के 4,000 रुपए के हिसाब से दे देंगे। बाकी थोड़ा बहुत गुंजाइश हो जाएगी मजीद इसमें? हाँ मजीद कर लेंगे गुंजाइश, जो हमारा व्यूअर हमारे चैनल का नाम लेगा तो उसके लिए मजीद और गुंजाइश हो जाएगी। मुनीर भाई तो मुझे एग्जीबिशन का पेयर भी नजर आ रहा है माशाल्लाह। हाँ ये किंग साइज का एक पेयर है, तो ये का पेयर है, अगर किसी भाई को ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा, अच्छे साइज का पेयर है, अच्छी क्वालिटी के अंदर आपके सामने, मतलब ये अवेलेबल है व्यूअर्स के लिए? जी जी व्यूअर्स के लिए अवेलेबल है। तो तकरीबन कितने में मिल जाएगा एक अंदाजा? ये 2500 रुपए के अंदर दे देंगे बिल्कुल फाइनल, 2500 रुपए में फाइनल दे देंगे हमारे व्यूअर्स। मेल का साइज चेक करें और हेड चेक करें, क्वालिटी चेक करें, बिल्कुल साफ सुथरा पेयर है। मुनीर भाई तो इधर एक बजरी का पेयर रखा हुआ है मेरे हेल्थ से, ये एग्जीबिशन के चिक्स से किंग एग्जीबिशन के ना। अच्छा, ये मैंने हाँ ये मैंने अपने शो के तौर पे लिया, मुझे पसंद आ गया था, फिर मेरा शो कहता है जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मैं परचेज कर लेता हूँ ना, और ये बहुत अच्छे साइज के अंदर इनके, अच्छा दोनों बर्ड जो ब्लैक आई हैं ग्रीन कलर के अंदर, ये ब्लैक आई हैं इनके माँ बाप, तो ब्लैक आई में से ये रेड आई बच्चा निकला, ये मैं आपको पकड़ के भी। अच्छा ब्लैक आई में से रेड आई बच्चा निकला? बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो पता है रेड आई ऐसी ब्लड जो है ना होती है, वीक होती है, वीक होती है, तो उसमें से ये बहुत अच्छे साइज का निकला हुआ, मैं आपको साइज भी नहीं चेक करवाता हूँ। तो मुनीर भाई ये वो रेड आई का पट्टा है माशाल्लाह, ये साइज चेक करें, साइज आप चेक करें, और ये भी तकरीबन माँ बाप से तकरीबन 15 दिन हो गए उन्होंने अलग किया ना, जहाँ से मैं लेके आया हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये आपके सामने शायद है, देखें कितना बड़ा है। जो रेड आई का जो बर्ड होता है वो छोटे साइज में होता है, जो कॉमन जो रेड आई होता है। इनके बारे में इतनी ज्यादा मालूमात तो नहीं है, यह है कि मैंने शो किया अपने लिए ले लिया ब्रीड करवाने के, ना इनको बड़ा करेंगे इनसे इंशाल्लाह ब्रीड लेंगे। किसी को चाहिए तो मिल भी जाएगा ये पेयर, या अपने लिए आपने रखा हुआ? बिल्कुल छोटे बच्चे हैं ये अभी, नहीं नहीं ये अपने लिए लिया हुआ, शो के तौर पर लिया हुआ, ये मैंने अपनी पसंद के लिए लिया हुआ है। अच्छा ये ग्रीन वाला अभी आपने पकड़ा है जो हम व्यूअर्स को दिखा रहे थे, ये भी अभी पट्टा ही है? ये भी अभी बिल्कुल पट्टा ही है, और ये जो है इसके जो माँ बाप थे ना वो ये हैं माँ बाप दोनों,
अच्छा दोनों मतलब माँ बाप ग्रीन थे, लेकिन अभी इनमें से जो बच्चे निकले एक रेड आई निकला और एक ये ग्रीन ही निकला। ये दो बच्चे निकले हैं, ये दोनों मैंने भाई से ले लिए थे, आप चेक करें कलर। माशाल्लाह ये ग्रीन है, ग्रीन के अंदर जो है वो एग्जीबिशन के पट्टे हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी लंबाई चेक करें आप। माशाल्लाह मुनीर भाई, इधर मुझे कुछ बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं, ये फोन जावा और व्हाइट जावा के। इधर ये फोन जावा के पेयर हैं और ये तकरीबन एक पेयर है, बॉन्डेड पेयर है, कंफर्म इन्हीं की लैंड का पेयर है ना। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ब्रीड नहीं करवा पा रहा कंफर्म। तो ये मतलब पट्टों से तैयार हुआ है या ब्रीडर पेयर है? नहीं नहीं बिल्कुल पट्टों से तैयार हुआ है, वो जो आपको पेयर दिखाई इन्हीं के बच्चे ही हैं और एक फीमेल है एक्स्ट्रा पड़ी हुई। वो जो फीमेल है वो बाहर की है, वो इनकी नहीं है मेरी ना। अच्छा मतलब वो बाहर की लाइन, वो बाहर की है किसी और की, वो मैंने। तो ये व्यूअर्स को मिल जाएगा मतलब हमारे? हाँ ये जो भाई भी लेना चाहे मिल जाएगा। एक व्हाइट जावा का पेयर है, रिंग डले हुए व्हाइट जावा के अंदर भी मेरे। अच्छा आप अपने मतलब लेंगे अपने? एक साल की एज है, पिछले साल पट्टों से तैयार किए घर की होम ब्रीड है ये, रिंग डले हुए मेरे बाकी वर्ष के, तो ये भी मिल जाएगा आपके व्यूअर्स को। तो फोन कितने में मिल जाएगा तकरीबन बड़ा पेयर हमारे व्यूअर्स को एक अंदाजा? देखिए क्वालिटी के पेयर तो आपको भी पता है 12 से 13 हज़ार रुपये लोग डिमांड करते हैं इस क्वालिटी के अंदर ना। फीमेल डार्क है की है और मेल फीमेल लाइट है सॉरी, और जो मेल है वो डार्क का है। आपके चैनल के रेफरेंस से जो भी भाई आएगा मैं उसको 9,500 रुपये में ये अपनी होम ब्रीड दूंगा। 9,500 रुपये होम ब्रीड मतलब आपके क्लोज रिंग वाले बर्ड होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुनीर भाई मुझे एक यहाँ पर कॉलोनी नज़र आ रही है, इसके ना फिंचेस वगैरह हैं, तो ये कॉलोनी क्या है, किससे बनी हुई है कॉलोनी? ये फिंचेस की कॉलोनी है, तकरीबन इसमें 12 पेयर है ना, वो ये कैचेस हमने खुद बनाया था और ये ऐसा शौकिया तौर पे हमने डाले, तकरीबन 10 दिन हो गए इनको मैंने फिंचेस को डाला हुआ है ना। और माशाल्लाह कितने पेयर हैं इसके अंदर? इसके अंदर 12 पेयर हैं, 11 पेयर कन्फर्म में, 2 मेल एक्स्ट्रा है और एग्स वगैरह भी इसके अंदर आ गए, नेस्टिंग वगैरह भी इस पेयर इन्होंने कर ली है कम्प्लीट और एग्स वगैरह भी देना शुरू कर दिए। और ये कैच जो है ये मैंने खुद बनाया हैवी कैच है ना ये। अच्छा ये मेटल का बना हुआ है, थोड़ा मेटल पाइप से बना हुआ है ना? जी जी आयरन पाइप का बना हुआ, आधे इंच की नाली है, स्क्रू वगैरह लगे हुए हैं ये। जी जी बिल्कुल। तो ये मिल जाएगा व्यूअर्स को ये केज? हाँ ये पूरी कॉलोनी सेल करनी है कैच समेत ना। अच्छा कैच के बारे में थोड़ा सा ये बता दूं, इसकी जो नीचे वाली चादर है वो 16 गेज की चादर है, जो लोग आयरन नीचे हाँ ये बहुत मोटी चादर है, ये सड़ने वाले नहीं है। दूसरा इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जो चादर है ये वाली ऊपर वाली हाँ ये बिल्कुल पतली चादर है, लेकिन इसके ऊपर फोक्सी प्राइमर मारा है। अगर जो लोग इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो वो कलर के बारे में इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, 22,000 रुपए की बाल्टी है। तो वो कलर क्या हुआ, अब ये इसको जितना भी हम खुर्चेंगे ना ये कलर उखड़ेगा नहीं, और दूसरी रंग भी इससे नहीं बिल्कुल ये कलर उखड़ेता ही नहीं है, यानी कि लाइफ टाइम की जान छुट जाएगी। सब पाइप के ऊपर मैंने खुद मारा और बड़े शौक से ये कॉलोनी बनाई है अंदर बाहर, तो यानी कि ये सड़ने वाली नहीं है। सिर्फ इसकी जो ये जाली है, ये जाली है, ये इसके ऊपर जो भी भाई लेके जाएगा जाली के ऊपर कलर हर साल कर दिया करेगा, तो ये जो है जाली खराब ये भी नहीं होगी। कितने में दे देंगे हमारे व्यूअर्स को? कराची बर्ड इन्फो का व्यूअर्स जो रब्ता करेगा आपसे, देखें आपके चैनल के रेफरेंस से जो भी भाई आएगा ये मटकियों कैच समेत दे देंगे, मटकियों समेत देंगे 12 पेयर है। ये कैच की जो प्राइस है बिल्कुल फाइनल 15,000 रुपए है, बिल्कुल फाइनल आपके रेफरेंस से, ये पड़ा ज्यादा है। और ये जो मटकियों के पेयर हैं ये 900 रुपए के हिसाब से पर पेयर आप मटकी समेत। जी जी मटकी समेत पूरा कैच उठा के ले जाओ। साइज क्या है, थोड़ा सा डायमेंशन हम बताना भूल गए व्यूअर्स। साइज इसका इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है और जो इसकी चौड़ाई है तकरीबन 3 फुट है। हाँ 30 इंची है, 30 इंची है। हाँ जी 30 इंची है और जो इसकी ये मतलब 2.5 फुट है ये। जी 2.5 फुट है और जो डीप है वो भी 2.5 फुट है। अच्छा 2.5 बाई 2.5 इसकी जो है विड्थ है, ये देख सकते हैं व्यूअर्स काफी गहराई है, मतलब जावा के आराम से इसके अंदर 10 पेयर से 6 पेयर आ सकते हैं। हाँ 10 से 15 पेयर आ सकते हैं, फिंचेस के 20 रख दो तो बेहतर है। देखिए फिंचेस के 20 पेयर भी आ सकते हैं, कॉलोनी का साइज बड़ा है काफी सारे पेयर आ सकते हैं। आप देखिए नीचे कितनी ज्यादा बड़ी जगह है ना, अभी फिंचेस के तो 12 पेयर बहुत कम यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। और ये आप देखे नीचे इनके मैंने रबड़े भी लगाई हुई, यानी कि शौकिया तौर पर बनाई थी, शौक से बनाई थी। तो मैं खुद वेल्डिंग का काम करता हूँ, लोहे को हम समझते हैं, तो उस हिसाब से काम किया जाए ताकि जो है एक दफा बन जाए जान छोड़ जाए ना। ये सिर्फ इसकी जो जाली है ये आप दिखा सकते हैं करीब से, अगर कोई भाई लेगा। आपने यूज करी है ये जाली? वो जाली नहीं है, मतलब जो टूट जाती है। नहीं ये आराम से कट जाती है, लबड़ भी नहीं काट पाता इसको। हाँ ये थोड़ी सी मजबूत है, नॉर्मल ही है, आम जो मार्केटों से मिलती है। हर साल इसको कलर कर दीजिए, कलर वाली होती है ना, हर साल कलर कर देंगे तो ये जाली खराब नहीं होगी। अगर मिसाल के तौर पर हो भी गई तो ये स्क्रू खुल जाते हैं पानी से, नई आप जाली लगा दें। अव्वल अच्छा, तो आप मतलब पानी से खुल के टामी वगैरह से खुल गए अव्वल तो देखें लोहा का काम ऐसा, अगर लोहे के ऊपर आप कलर रखेंगे तो इंशाल्लाह कभी जिंदगी में उसको
जंग नहीं लगेगा। अच्छा मुनीर भाई, माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रीड आ रही है आपके पास, तो ये सॉफ्ट फूड आप क्या यूज कर रहे हैं और दाने में क्या दे रहे हैं, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा। ये सॉफ्ट फूड के अंदर एग ब्रेड देते हैं हम, उसके अंदर हम मेथी देते हैं, गाजर देते हैं, चुकंदर देते हैं, ग्रीन सब्जियां जो भी हैं वो क्रश करके हम मिला के वो देते हैं। बहुत शौक से जावा खाते हैं और हफ्ते में 2 दिन तकरीबन भुट्टा लाजमी देते हैं इनको हम। अच्छा भुट्टा लाजमी देते हैं, भुट्टा लाजमी देते हैं और सॉफ्ट फूड रेगुलर मिलेगा, चाहे चिक्स हो या नहीं हो, सॉफ्ट फूड देना ही देना है लाजमी। और उसके अलावा आप दाने में क्या क्या यूज कर रहे हैं? सीड मिक्स में आपको मैं दिखा देता हूँ, सीड मिक्स जो है ना हमारी जावा की बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो बंग के बीज आपको नजर आएंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है ना ये, माशाल्लाह बहुत क्वांटिटी है। ये दाना है, साफ सुथरा दाना है, इसके अंदर साड़ी है, पेटी राइस जिसको बोलते हैं, ये जावा की पसंदीदा खुराक है। मतलब वो चावल जो होता है जो छिलके वाला चावल, बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा खुराक है। और ये दाने के अंदर 40% मेरे चावल होते हैं, इसके अलावा बारीक कंगनी होती है, मोटी कनेरी सीड वगैरह भी होता है इसके अंदर। कनेरी सीड सॉफ्ट फूड के अंदर थोड़ा सा हम डाल के देते हैं अलग से ना, क्रॉपिंग करके दे देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप दिखा सकते हैं, अच्छा सारा छना हुआ दाना होता है ना, जिस तरीके मट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है, आपके हाथ नजर आ रहे हैं साफ, बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल साफ, ऐसा तो नहीं खुद छानते हैं, ये हमारे पास मशीन लगी हुई है। मुनीर भाई आपसे एक सवाल था कि नया फैंसियर जो आना चाह रहा है आप उसको क्या कहना चाहेंगे, ये फील्ड कैसी है? माशाल्लाह आपका भी 3-4 साल का तकरीबन तजुर्बा है, एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे इस हॉबी को? देखिये माशाल्लाह मुझे तो पर्सनली तौर पर हॉबी बहुत पसंद है और बर्ड्स के शौक भी है, और ये अच्छा बिजनेस भी है और हॉबी भी है, दोनों है ना। ज्यादातर लोग आजकल बिजनेस के हवाले से आते हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट के हवाले से आते हैं, तो वो लोगों को लॉस होता है, उनको नुकसान होता है, क्योंकि उन्होंने देखें आपको शौक है या बिजनेस है, आपने कैलकुलेशन करके अगर काम करेंगे तो आपको लॉस बहुत कम है, लॉस के चांसेस ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे ग्रे जावा भी लगे हुए हैं, वाइट भी हैं, सिल्वर भी हैं, फिंचेस भी लगी हुई है मेरे पास। तो लोग न्यू फेंसर और पुराने लोग भी हैं जो कुछ वो बोलते हैं कि यार ये दाना ज़्यादा खा जाएगा, खर्चे ज़्यादा हैं, प्रॉफिट नहीं है। देखें अगर आपके पास ब्रीड अच्छी आ रही है, यानी कि आपके पास अगर एक पर कोई सा भी हो, मिनिमम 4 चिक्स आने चाहिए और वो चिक्स 250 रुपये का पर पीस, ग्रे जावा की बात कर रहा हूँ मैं, आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ग्रे जावा का चिक्स 250 रुपये का अगर सेल हो रहा है पट्ठा, आपको बारे में प्रॉफिट है दाने में, और 250 रुपये से अगर नीचे आ रहा है तो आप ग्रे जावा का ख़त्म करें और जो थोड़े से महंगे बर्ड में आप मार्केट में चेक करें वो परचेज करें, उनकी ब्रीड करवाएं और उनके ऊपर काम करें, इस तरीके से काम करें। देखें इनका जो दाना है, हमने ये कैलकुलेट किया हुआ सारा कि एक दिन में जावा हो या फिंचेस हो या कोई भी बर्ड हो जो हमने रखे हुए हैं, एक दिन में दाना कितना खाता है, सादा पेयर बच्चों वाला पेयर कितना दाना खाता है, वो एक महीने में कितना खाता है, ये सब चीज़ें हमने कैलकुलेशन की हुई हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि अगर जावा का 250 रुपये का पर पीस बच्चा बिक रहा है तो आपको दाने में बारे में, क्योंकि दाना हमें 140 रुपये किलो पड़ रहा है और 200 रुपये किलो या 195 रुपये किलो बारीक भी नहीं खिला के हमने फिंच जब पा सकते हैं तो फिंच से ज़्यादा बेहतर है आप जावा पाने। वैसे आपके पास मल्टीपाइप बर्ड्स होने चाहिए तो यार जो है ना बंदा इस फील्ड के अंदर कामयाब है, क्योंकि किसी के रेट अगर डाउन होंगे तो किसी के रेट ऊपर मजीद जाएंगे, सब बर्ड के रेट ऐसा नहीं है कि सबके बर्ड रेट बिल्कुल नीचे आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अभी हम देख सकते हैं होगो रोमो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट पे जा रहा है, बहुत अच्छे रेट है होगो रोमो के, और होगो रोमो के हवाले से मैं कहना चाहूंगा कि होगो रोमो किसी के पास अच्छे क्वालिटी के हों तो वो हमसे रब्ता कर लेगा, हम ये मुनासिब पैसों में उनसे परचेज भी कर लेंगे होगो रोमो। मतलब आप खरीदना चाह रहे हैं सेटअप पे इंशाल्लाह यूज करना चाह रहे हैं, मुनासिब पैसों में हम ले लेंगे, लेकिन शर्त ये है कि अच्छी चीज़ हो, मुनासिब पैसे हो। और उसके अलावा कॉकटेल है, अच्छा कॉकटेल का मैं मशवरा दूंगा लोगों को, भाई कॉकटेल भी लगाएं, कॉकटेल बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। कॉकटेल के अगर मिनिमम आपके पास 3 चिक्स आ रहे हैं तो जबरदस्त कॉकटेल है, अगर आपके पास 10-15-20 पेयर या 30 पेयर कॉकटेल के हैं तो एक अच्छा साइड इनकम, माशाल्लाह साइड बिजनेस हो सकता है। कॉकटेल के पेयर कॉकटेल के पेयर भी हमें रिक्वायर्ड है, क्रीम कॉकटेल के पेयर विद चिक्स के साथ चाहिए, मिनिमम 3 से 4 चिक्स होने चाहिए, अगर किसी भाई के पास है वो व्हाट्सएप में उनसे रब्ता करें। मतलब हिस्ट्री वाला पेयर आप लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं ब्रीडर पर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इस टाइम पट्टे लूंगा क्रीम कॉकटेल के और अगले साल जाके ब्रीड करूंगा, मुझे ब्रीडर महंगी तो थोड़ी सी मिल जाएगी लेकिन एक ब्रीडर मिल जाएगी, वो ये है कि अगर यहाँ वहाँ सेल नहीं हुए तो जाल रेट बहुत अच्छे हैं, दाने के हिसाब से 12 हो जाता है बिल्कुल। तो मुनीर भाई एक बार फिर से व्यूअर्स को नंबर और एड्रेस बता दीजिएगा जो आपसे रब्ता करना चाहें। नहीं, लोकेशन हमारी कराची बागे कुरंगी की है, यहाँ पे सैमा डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट बड़े मशहूर हैं और बागे कुरंगी का कब्रिस्तान भी बड़ा मशहूर है यहाँ पे,
और नंबर मेरा है 0309189372। ये व्हाट्सएप पे नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह किसी और बहुत जबरदस्त सेटअप के साथ।